Welcome learners to Gate Notebook YouTube channel. So today in this class we are going to discuss operating system practice questions. So operating system की practice live class है जहाँ पे हम CPU scheduling से most of the questions practice करेंगे. वैसे तो miscellaneous ही आप समझ करके चलिए, but हाँ CPU scheduling के कुछ questions आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं. तो चलिए start करते हैं आज के session को. तो मैंने कोशिश की है कि मिसलेनियस ही रहे ताकि आप लोग बोर ना हो जाए एक ही टॉपिक को कवर अप करते करते. तो गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टैप कीजिए बेल आइकन को ताकि आप लोगों को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. आई होप सेशन में ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी क्लियर होगी. यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ, गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल पे हमारे ये जो अवेलेबल कोर्सेज हैं UGC नेट कंप्यूटर साइंस पेपर वन एंड पेपर टू के जो आप देख सकते हैं, तो ये सारे हमारे कंप्लीट कोर्सेज हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, OS का. तो आप चाहें UGC नेट के स्टूडेंट्स तो आप इन कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होती है, PDF नोट दिया जाता है, डाउट सपोर्ट व्हाट्सएप पर होता है और आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके इनरोल कर सकते हो. ये हमारा सबसे स्पेशल मटीरियल है जो गेट नोटबुक पे अवेलेबल है, बेस्ट रिवीजन बुक फॉर गेट CSIT एंड UGC नेट पेपर वन एंड पेपर टू. इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 5000 और डिस्काउंट के बाद इसको हम 2500 पे अवेलेबल कराते हैं. और इसमें क्या है, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट PYQ फॉर्मूले, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, सारे CS सब्जेक्ट्स हैं. अगर यहाँ पे कोई अनअकैडमी का प्लस सब्सक्राइबर है जिसके पास ये बुक नहीं है, वो इतने कॉस्ट पे इसको इनरोल कर सकता है. ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इनरोल करना हो. ये UGC नेट के लिए अलग है, गेट CSIT के लिए अलग है. और इसमें आप इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को एक पेज में रिवाइज कर सकते हो, लाइक ग्राफ थ्योरी टॉपिक को आप आराम से वन पेज में रिवाइज कर सकते हो. और हमारा सेकेंड मटीरियल जो है वो है 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक जो UGC नेट कंप्यूटर साइंस के लिए है, जहाँ पे 53 डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन है. हर एक का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर का है और 53 PDF सॉल्यूशन है. इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 3000 और डिस्काउंट के बाद 2500. इसमें वीडियोस लाइफ टाइम एक्सेसिबल है और डाउट सपोर्ट व्हाट्सएप पे अवेलेबल है. तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU शेड्यूलिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो गेट 2020 ने पूछा जा चुका है. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. ये क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग से जो सबसे ऑप्टिमल एल्गोरिदम होता है. SJF इज ऑप्टिमल एल्गोरिदम, जिसको हम बेस्ट एल्गोरिदम भी कहते हैं, बेस्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ये भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सबसे ऑप्टिमल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, तो वो है SJF. ठीक है, क्यों, वाई, क्योंकि इसका मिनिमम होता है, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम देता है, ये मिनिमम वेटिंग टाइम देता है और ये मिनिमम रिस्पांस टाइम लेता है. तो इसीलिए, और इसलिए इसका हाई थ्रूपुट भी होता है, एंड दैट्स वाई सबसे ऑप्टिमल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है. तो ये लगा आपका एक्स्ट्रा तड़का इस क्वेश्चन पे. तो अब मुझे आप बताइए कि इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल जो दे रखा है उसको बताइए. ओके, तो शहीदुल मंडल बोल रहे हैं कि उनका ब्रांच CSE डेटा साइंस है. 2025 ईयर्स में कौन सी बुक खरीद बोली गेट के लिए. तो देखिए, गेट के स्टैंडर्ड बुक्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर जा करके देखें, गेट बेस्ट बुक्स फॉर गेट. और बाकी ये जो बुक मैंने आपको SRP बुक बताया वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में. ठीक है, बाकी जो भी आपको अगर कोई डाउट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो यू ऑल कैन कनेक्ट विद अस एट दिस नंबर 8368017658. तो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी. बट फिलहाल के लिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग.
तो यहाँ पर आंसर साहिदुल का आ रहा है 11.5, ज्योति नैनी का आ रहा है ऑप्शन डी, दैट इज 12.5। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या लगता है आपको। यस, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, बी डी एंड बी। तो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 10.5। तो 10.5 इसका राइट आंसर है। तो समझते हैं अब इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबका अराइवल टाइम जो है वो दे रखा है क्या, ज़ीरो। तो हम यहाँ पर गैंट चार्ट बना लेते हैं, और ज़ीरो अराइवल टाइम पे कौन सा प्रोसेस जाएगा, तो सारे आ सकते हैं, पर जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट होगा उसे हम पहले लेते हैं एसजेएफ में। दैट मीन्स कि P3 को हम पहले लेंगे और ये 2 टाइम तक पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसका बर्स्ट टाइम 0 हो गया। अब नेक्स्ट किसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है, P4 का। तो 2 + 4 ये आपका चलेगा 6 टाइम तक, तो अब ये भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट किसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है, P2 का। तो 6 + 7 ये आपका 13 हो जाएगा। लास्टली आपका P1 बचेगा, तो 13 + 8 ये 21 होगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा। तो बेसिकली पहले हमें कंप्लीशन टाइम निकालना होगा। तो P1 कंप्लीट हो रहा है 21 पे, P2 कंप्लीट हो रहा है 13 पे, P3 कंप्लीट हो रहा है 2 पे, और P4 कंप्लीट हो रहा है 6 पे। और टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ये रहा और अराइवल टाइम ये रहा, और उससे टर्न अराउंड टाइम निकालो। तो 21 - 0, तो ऑब्वियसली जब अराइवल टाइम सबका 0 होता है तो कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम होता है। तो इसलिए 13 - 0 13 होगा, 2 - 0 2 होगा, 6 - 0 6 होगा। और अगर आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना हो तो सबको प्लस कर दीजिए, तो ये निकल करके आएगा 21 + 13, मतलब कि 34, 36 and 42। और 42 / 4 कितना निकल करके आएगा, 10.5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको दे रखा है गेट 2020 में पूछा गया है। तो यस, आई होप सभी लोगों को क्लियर है, ऑडिबल है, विजिबल है सेशन, इज दैट क्लियर। यस, तो यहाँ पे आपको जस्ट स्पेशल केस ये याद रखनी है कि व्हेन अराइवल टाइम इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल प्रोसेसेस, देन टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम। जस्ट रिमेंबर द केस, ओके। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज SJF इज द ऑप्टिमल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसका हाई थ्रूपुट होता है और मिनिमम वेटिंग टाइम होता है, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होता है, मिनिमम रिस्पांस टाइम होता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दूं क्या, तो पहला पॉइंट ये बताया मैंने, दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया, ये तो सारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए एप्लीकेबल है। और तीसरा पॉइंट ये मैं आपको बताऊँगी कि SJF आपका नॉन प्रिम्प्टिव होता है और इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हमने बता दिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है।
तो कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस अज्यूम्ड टू हैव अराइव्ड एट टाइम जीरो. कंसीडर द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम राउंड रॉबिन. फॉर राउंड रॉबिन अज्यूम दैट द प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड इन द ऑर्डर दिस, देन फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम. यस, तो प्लीज सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है. तो यहाँ पे टाइम क्वांटम तो बताना ही भूल गए. अच्छा, तो राउंड रॉबिन का जो टाइम क्वांटम है ना, आई एम रियली सॉरी, वो 4 मिलीसेकंड है. तो वो मैं आपको लिख देती हूँ कि टाइम क्वांटम क्वेश्चन में दे रखा है आपका 4 मिलीसेकंड. ठीक है, अब आप मुझे बताइए. और पहली बात मैं आपको बता दूँ कि राउंड रॉबिन जो होती है वो प्रिम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग होती है. बेसिकली राउंड रॉबिन प्रिम्प्टिव वर्जन होती है FCFS की. तीसरी बात, राउंड रॉबिन में स्टारवेशन नहीं होता है. और चौथी बात कि राउंड रॉबिन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे टाइम क्वांटम होता है. और पांचवी बात कि जब टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा हो जाता है राउंड रॉबिन में, ठीक है, इन राउंड रॉबिन When time quantum is very large, then it will become FCFS. तो ये 5 चीज़ें आपको राउंड रॉबिन के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए. और इसमें हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं FIFO सर्कुलर क्यू. तो इससे ज़्यादा एडिशनल आपको कुछ पता नहीं होगा तो भी चलेगा, राउंड रॉबिन में इतनी ही चीज़ें होती हैं. मैम, SJF में अराइवल टाइम गिवन हो तो ये प्रिम्प्टिव होगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं. SJF में अराइवल टाइम गिवन हो तो वो नॉन प्रिम्प्टिव ही होगा, क्योंकि SJF बेसिकली नॉन प्रिम्प्टिव ही होता है. तो आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई है जो मैंने एडिशनली बताई है आपको. टोटल 6 पॉइंट्स बताया है मैंने राउंड रॉबिन के बारे में, जिसमें कि पहला पॉइंट गेट एग्ज़ाम में आ चुका है, दूसरा पॉइंट भी गेट एग्ज़ाम में आ चुका है, तीसरा पॉइंट भी गेट एग्ज़ाम में आ चुका है, चौथा पॉइंट भी, पाँचवा भी और छठा भी. तो सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो पहले के गेट क्वेश्चंस में आ चुके हैं. तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं स्टूडेंट्स. तो प्रत्युष का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी 15.75. और सभी स्टूडेंट्स बताइए क्या आंसर होगा. बी होगा, बी होगा, बी होगा. तो सभी यहाँ पे बी पे जा रहे हैं. तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया कि
कि इसका आंसर 15.75 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब भी हम राउंड रॉबिन परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि टाइम क्वांटम आपको 4 मिलीसेकंड का गिवन है, तो जब भी ऐसा होता है तो हमारे पास दो चीज़ें होती है राउंड रॉबिन में, एक रेडी क्यू होता है और एक गैंट चार्ट होता है। तो रेडी क्यू हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे गैंट चार्ट को कि आपको कौन से प्रोसेस को शेड्यूल करना है टू द सीपीयू। तो जैसे कि सभी का अराइवल टाइम यहाँ पे 0 है आपको दे रखा है, तो सभी रेडी हैं टू एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू, तो सबको हम रेडी क्यू में लिख देंगे। और गैंट चार्ट में P1 आपका पहले आएगा, क्योंकि वो पहले लिखा, जिसकी प्रोसेस आईडी लो होती है उसी को लेते हैं। और ये 4 मिलीसेकंड तक आपका P1 चलेगा, फिर P1 आपका ख़त्म 4 मिलीसेकंड तक चलेगा, उसके बाद हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो P1 फिर दोबारा आएगा आपका, बट इन तीनों के एग्जीक्यूशन के बाद। तो P1 का टाइम क्योंकि बचा हुआ है, 4 टाइम ही ख़त्म हुआ, 4 टाइम रिमेनिंग, तो P1 दोबारा आएगा। अब P2 को हम लेंगे और P2 भी 4 टाइम क्वांटम तक चलेगा, तो 4+2 इज़ 8, 4+4 इज़ 8, और P2 का टाइम बचेगा 3। अब P2 भी दोबारा आएगा क्योंकि उसका टाइम रिमेनिंग है। फिर P3 का जब बर्स्ट टाइम 2 ही है, तो उसको हम 2 ही टाइम तक चलाएंगे, उसको फोर्सफुली हम 4 टाइम तक नहीं चलाएंगे। अब P3 का टाइम ख़त्म हो गया है, तो इसलिए P3 को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब P4 को आप देख सकते हैं कि उसका बर्स्ट टाइम 4 है और टाइम क्वांटम 4, पूरे 4 तक चला दो, तो 10+4 = 14, और P4 का पूरा टाइम ख़त्म, तो P4 को भी इसलिए दोबारा नहीं लिखना। अब P1 को आप लिखोगे तो P1 का पूरा 4 टाइम, 4 टाइम क्वांटम है तो 4 टाइम क्वांटम तक ही चलेगा हर एक प्रोसेस, तो 4 को प्लस करो तो 18 हो गया। अब P1 को भी दोबारा नहीं लिखना क्योंकि उसका टाइम 0 हो गया। फिर P2 लास्टली बचा, तो उसका 3 ही टाइम है, तो P2 को 3 टाइम तक चलाएंगे, तो ऐसा बनेगा। अब हमें निकालना है कि टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है हमें कंप्लीशन टाइम निकालना होगा। तो कंप्लीशन टाइम P1 का क्या है, 4 है। P2 का क्या है, नहीं सॉरी, P1 का कंप्लीशन टाइम 18 है, P2 का क्या है 21 है, जो लास्ट में देखे वो देखना है। P3 का 10 है और P4 का 14 है। ओके, और फिर टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ही है कि जब अराइवल टाइम सबका 0 होता है, तो टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम के इक्वल होता है। तो टर्न अराउंड टाइम भी 18 होगा, 21 होगा, 10 होगा और 14 होगा। अब इसका एवरेज अगर आपको निकालना है, तो आप सबको सम करो, तो इट विल गिव यू व्हाट, 18, 20, मतलब कि 19 और 39। ओके, मतलब कि ये ले लो ना कि आपका 28 हो जाएगा, 14 प्लस किया तो इट विल बी 38, 42 और 42 में 21 प्लस किया तो 63 निकल करके आएगा, और बाय 4 तो ये होगा आपका 15, 15 फोर जो 60 होता है पॉइंट 30, तो ये आपका 28 पे जाएगा, फिर 28 में 2 बचा तो 5 से जाएगा। तो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सभी लोगों ने ऑलमोस्ट बोला है, तो सभी लोग बिल्कुल सही। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर है सभी लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये गेट 2019 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि गेट 2020 का ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों मर्ज हो करके आया था आपका, बट मैंने आपको अलग अलग सॉल्व करवाया है ताकि आप लोगों को एक बारी में हेडेक ना लगे और आप चीज़ों को क्लैरिटी से समझ सको। तो SGF और राउंड रॉबिन दोनों के टर्न अराउंड टाइम के डिफरेंस पे क्वेश्चन आया था। तो ऑब्वियसली, तो जो गेट एग्जाम का क्वेश्चन था उसके हिसाब से 10.5 इसका आया और 15.75 उसका आया था, तो इनका आंसर था 5.25। ठीक है, तो मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी आपका तीसरा क्वेश्चन है जो गेट 2019 में पूछा गया है SRTF एल्गोरिदम से। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
फ्रॉम द सर्वर राइट। तो आई थिंक अब सेशन ऑडिबल विजिबल होगा। तो अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, क्या आपको ये गेट 2015 का क्वेश्चन दे रखा है? आप प्लीज़ पहले कमेंट करके मुझे बताइए कि FCFS का एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, SGF का क्या होगा, SRTF का क्या होगा और राउंड रॉबिन टाइम क्वांटम 2 का क्या होगा। तो वन बाय वन प्लीज़ कमेंट करके बताइए। पहले आपका काम है FCFS का एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करके बताना, ठीक है? और अगर फाइनल आंसर कर सकते हो तो वो भी करके बताओ। तो पॉलीमिक का आंसर सी आ रहा है। आई थिंक अब वीडियो बफर नहीं कर रहा होगा। अब मैंने इसको इस स्ट्रीमिंग मैंने फिर से कनेक्ट की है। यस, तो बताइए अब इसका आंसर क्या है। तो वन बाय वन आप लोग अगर बताएंगे सभी का तो वो ज़्यादा आई थिंक बेटर होगा। तो यहाँ पर सभी का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे लोएस्ट एवरेज टर्न अराउंड टाइम SRTF का है एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड। आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैं सॉल्व करूँगी ताकि जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड देखेंगे या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और जो नहीं कर पाए आंसर, उनको समझ में आए कि सी कैसे आंसर है। तो पहले मैं FCFS को अप्लाई करती हूँ और उसका मैं गैंट चार्ट बनाती हूँ। तो ज़ीरो अराइवल टाइम पे आपका प्रोसेस ए आएगा और पूरे टाइम तक चल जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर थ्री अराइवल टाइम तक बी प्रोसेस आ सकता है सिर्फ, तो बी प्रोसेस को ही हम चला सकते हैं प्लस सिक्स नाइन टाइम तक। फिर नाइन अराइवल टाइम तक दोनों आ सकते हैं, पर दोनों में जो पहले आएगा उसको हम लेंगे क्योंकि FCFS है, तो सी को हमने लिया और नाइन प्लस फोर थर्टीन तक चलाया। और लास्टली डी आएगा जो प्लस टू करके फिफ्टीन तक चलेगा। तो कंप्लीशन टाइम क्या है? ए का 3 है, बी का 9 है, सी का 13 है और डी का 15 है। और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? तो प्रोसेसिंग टाइम को बर्स्ट टाइम भी कहते हैं। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये होता है टर्न अराउंड टाइम। 3 माइनस 0 3, 9 माइनस 1 8, 13 माइनस 4 9, 15 माइनस 6 9। एंड व्हाट इज, तो आपसे टर्न अराउंड टाइम का एवरेज ही पूछा गया है। तो यस, ये हो जाएगा 18, ये 26, ये 29 और 29/4 ये निकल करके आएगा 7.25। तो FCFS का एवरेज वेटिंग टाइम 7.25 इस तरीके से निकला, ठीक है? अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं नॉन प्रिम्प्टिव SJF को। तो SJF, तो अगेन जीरो अराइवल टाइम पे ए आ रहा है जो पूरे टाइम तक चलेगा क्योंकि ये दोनों नॉन प्रिम्प्टिव होते हैं, तो पूरे पूरे टाइम तक चलेंगे। अब थ्री अराइवल टाइम तक सिर्फ बी आया तो बी को चलाएंगे और ये थ्री प्लस सिक्स नाइन टाइम तक चलेगा। फिर नाइन टाइम तक दोनों आ सकते हैं, दोनों का अराइवल टाइम नाइन से छोटा है, पर दोनों में से हम उसको लेंगे जिसका बर्स टाइम शॉर्टेस्ट हो क्योंकि शॉर्टेस्ट बर्स टाइम को लेता है। तो हम डी को लेंगे जो प्लस टू तक चलेगा, दैट मीन्स कि 11 तक। और फिर हम सी को लेंगे तो प्लस फोर करके 15 तक। अब आपको कंप्लीशन टाइम निकालना है, तो ए का 3, बी का 9, सी का 15 और डी का 11 है। और टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 3 माइनस 0 3, 9 माइनस 1 8, 15 माइनस 4 9, 11 माइनस 6 5। तो ये होगा 11 और ये 20, 25। 25/4 इज व्हाट? तो 6.25। तो 6.25 इज द एवरेज वेटिंग टाइम। अच्छा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम SJF का कुछ गलत हुआ है क्या? 25/4 कितना होगा यार? 25, 24, 6, ये 110, ये 8, तो 25 निकल कर के आ रहा है, कहीं कुछ गलती तो हुई है। ए का कंप्लीशन टाइम 3 है, बी का 9 है, सी का 15 है, डी का 11 है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 माइनस 0 ठीक है, 15 माइनस 4 सॉरी ये 11 होगा, अब सही निकलेगा। 15 माइनस 4 तो 11 होता है ना,
तो ये 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 5 इज 27, तो 27/4 निकलेगा। अब आंसर सही आएगा एंड दैट इज 24, तो ये 6.30, तो 6.75। हाँ, एवरेज वेटिंग टाइम SGF का 6.75 निकल करके आ रहा है। यस यस यस। और अब हम समझते हैं SRTF को। तो SRTF को अब समझते हैं जो प्रिमटिव है। तो यहाँ पे लिया जीरो अराइवल टाइम पे ए प्रोसेस आया जो नेक्स्ट अराइवल टाइम तक ही चलेगा क्योंकि प्रिमटिव है। तो दो टाइम ख़त्म और एक टाइम ख़त्म, दो टाइम बचा। वन अराइवल टाइम पे ए और बी दोनों आ सकते हैं। किसको लें? जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है, मतलब कि ए को लेंगे, है ना। तो ये नेक्स्ट अराइवल टाइम 4 तक चलेगा, तो पर इसके पास दो ही टाइम है तो ये 3 तक ही चल सकता है, 1 प्लस 2 3। अब ये पूरा ख़त्म ए। 3 अराइवल टाइम तक आपका बी ही आ सकता है क्योंकि सी और डी तो 4 6 पे आएंगे, तो हम ऑब्वियसली बी को लेंगे और नेक्स्ट अराइवल टाइम तक चलाएंगे, मतलब कि 4 तक। तो इसका एक टाइम खर्च हुआ, 5 टाइम बचा। फिर 4 अराइवल टाइम तक सी आ जाएगा, तो बी और सी में हम सी को लेंगे जिसका बस टाइम छोटा है। तो ये आपका 6 अराइवल टाइम तक चलेगा और इसका 2 टाइम खर्च हुआ, तो इसका 2 टाइम बचा भी। अब यहाँ पे 6 अराइवल टाइम तक आपका डी भी आ सकता है, पर तीनों में से किसको लूँ जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है। तो सी और डी दोनों का सेम है बट प्रोसेस आईडी सी की कम है, तो सी को हम पहले करेंगे। तो सी पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका बी और डी में डी शॉर्टेस्ट है तो डी आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में आपका बी आएगा जो 15 टाइम तक चलेगा। तो इस तरीके से निकला। अब कंप्लीशन टाइम निकालो, ए का कितना है तो 3 है, बी का कितना है 15 है, सी का कितना है 8 है और डी का कितना है 10 है। और अब आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है, दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 3 माइनस 0 इज 3, 15 माइनस 1 इज 14, 18 माइनस 4 इज 4, 10 माइनस 6 इज 4। अब इसका एवरेज निकालना है, तो ये हो जाएगा 17, ये 21 25, और 25/4 क्या होता है, 6.25 होता है जो एवरेज वेटिंग टाइम निकल करके आया है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल करके आया है SRTF का। अब यहाँ पर हम निकालते हैं राउंड रॉबिन जिसका टाइम क्वांटम वैल्यू 2 है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यस, ठीक है ना। ठीक है, तो अब राउंड रॉबिन का टाइम क्वांटम 2 निकालना है। तो राउंड रॉबिन में दो चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है, एक होता है रेडी क्यू और दूसरा होता है गैंट चार्ट। तो रेडी क्यू में आपका रेडी कौन होगा, अराइवल टाइम 0 पे जो आ रहा है एंड दैट इज प्रोसेस ए। तो ए को हम चलाएंगे 0 अराइवल टाइम पे और वो 2 टाइम क्वांटम तक चलेगा, तो ए का 1 टाइम रिमेनिंग। अब 2 अराइवल टाइम, गैंट चार्ट में अगर कोई नया नंबर आए तो आपको जस्ट टेबल पे जा करके देखना है कि 2 अराइवल टाइम तक कौन कौन से नए प्रोसेस आ सकते हैं। तो बी आ सकता है, तो बी को हमने रेडी क्यू में लिख लिया और ए को हम दोबारा से लिखेंगे क्योंकि ए का टाइम बचा है। तो पहले नए प्रोसेस को लिखना है फिर ओल्ड प्रोसेस को लिखना है अगर उसका टाइम रिमेनिंग है। तो ए के बाद अब बी एग्जीक्यूट होगा 2 टाइम तक क्योंकि टाइम क्वांटम 2 है, तो 2 प्लस 2 4, और बी का टाइम रिमेनिंग है 4। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 4 अराइवल टाइम तक कौन कौन से प्रोसेस आ सकते हैं। तो सी भी आ सकता है, सी के बाद अब बी दोबारा लिखोगे क्योंकि बी का टाइम रिमेनिंग है। अब आप ए को लिखोगे यहाँ पे, तो ए का क्योंकि एक ही टाइम बचा है तो आप इसको एक ही टाइम तक चलाओगे। अब ए का टाइम नहीं बचा है तो दोबारा नहीं लिखना, और 5 अराइवल टाइम तक कोई नया प्रोसेस नहीं आ रहा। फिर आप सी को एग्जीक्यूट करोगे और वो 2 टाइम तक चलेगा, तो 5 प्लस 2 7, और यहाँ पे इसका 2 टाइम बचा है। अब 7 अराइवल टाइम तक ऑब्वियसली आपका डी आ जाएगा और सी को मैं दोबारा लिखूंगी क्योंकि सी का टाइम रिमेनिंग है। ओके, फिर हमने यहाँ पर बी को एग्जीक्यूट किया, तो बी को भी हम 2 टाइम तक चलाएंगे, तो 7 प्लस 2 9, फिर बी को दोबारा लिखेंगे क्योंकि बी का टाइम बचा है। और फिर हम डी को लिखेंगे, तो डी को 11 तक चलाया और डी का पूरा टाइम ख़त्म, तो डी को नहीं लिखना। अब सी को चलाएंगे तो +2 13, तो सी का भी पूरा टाइम ख़त्म, और फिर बी का लास्टली यहाँ पर बचा है 2 टाइम, तो वो भी ख़त्म।
तो इस तरीके से आपका निकल करके आ गया गैंट चार्ट फॉर और व्हाट राउंड रॉबिन। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कंप्लीशन टाइम। तो ए का कंप्लीशन टाइम कितना है 5 है, बी का कितना है 15 है, सी का कितना है 13 है, डी का है 11 और टर्न अराउंड टाइम कितना होगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये निकलेगा आपका 5 - 0 = 5 = 14, ये 9 और ये 5 तो 10 = 24 एंड दैट विल बी 33/4। तो 8.25 समथिंग इज द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर राउंड रॉबिन। तो इस तरीके से इन सब में मिनिमम कौन दे रहा है SRTF, तो SRTF इसका राइट आंसर है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन था जो गेट 2015 में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन हमने गेट 2019 का किया, एक गेट 2015 का किया और एक क्वेश्चन हमने गेट 2020 का किया। तो दिस वे वी हैव सॉल्व टोटल 4 क्वेश्चंस, बट वो कहने के 4 क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन में तो खुद 4 क्वेश्चंस थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो गेट 1998 में पूछा गया है। कंसीडर एंड प्रोसेस शेयरिंग द CPU इन अ राउंड रॉबिन फैशन अज्यूमिंग that each process switch takes seconds, what must be the quantum size Q such that the overhead resulting from process switching is minimized but at the same time each process is guaranteed to get its turn at the CPU at least every t seconds। तो आपको टाइम क्वांटम निकालना है कि टाइम क्वांटम का क्या फॉर्मूला निकल करके आएगा। और यार वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग के नेटवर्क में वो स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग की तरह ऐसी क्लासेस की ज़रूरत रखते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगा दोगे ना मेरी क्लास को लिंक में डाल करके और मुझे टैग कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि ये सेशन मल्टीपल स्टूडेंट्स तक पहुँच रहा है आप लोगों के थ्रू और ये सिर्फ आप लोगों के थ्रू ही पॉसिबल है। आप चाहें तो सोशल मीडिया का जो भी अकाउंट है आपका, अगर लिंक्डइन है आपका और आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप मुझे मेरे को टैग करके इस क्लास को शेयर कर सकते हो ताकि उन स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है, जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप ये कर देते हो छोटी सी कोशिश आपकी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप इस सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो गीता का आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है, राखी का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है और ये क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन भी है किसी का, तो चलो वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज़ द 5th क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। तो पॉलमी का आंसर भी ऑप्शन ए है, गीता राखी पॉलमी तीनों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है और देखते हैं कौन कौन इसको बता पाते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, श्वेता के सी एस, जहाँ पे इस वीडियो का PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं
वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे टोटल एन प्रोसेस है जो सीपीयू को शेयर कर रहा है राउंड रॉबिन फैशन में। हर एक प्रोसेस को स्विच करने में एस सेकंड लगता है, तो टाइम क्वांटम का साइज क्या होगा सच दैट जो प्रोसेस स्विचिंग का ओवरहेड है वो कम हो जाए और एट द सेम टाइम प्रोसेस को सीपीयू का टर्न भी मिले एटलीस्ट एवरी टी सेकेंड्स के बाद। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे टोटल 4 प्रोसेस लिए और इसमें एन की वैल्यू 4 हो गई, तो टोटल नंबर के जो प्रोसेस हैं वो एन है, ठीक है। तो वो हमने 4 लेट कर लिया है और हम लेट कंसीडर कर रहे हैं कि राउंड रॉबिन फैशन में ऐसा होगा कि P1 को थोड़ा टाइम मिलेगा सीपीयू का, फिर P2 को, फिर P3 को, फिर P4 को, फिर P1 को, फिर P2 को, वैसा करके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम यहाँ पर है वो एस है और टाइम क्वांटम कितना है क्यू है। तो यहाँ पर P1 से P2 हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं, तो ये जो 2 वर्टिकल बार्स हैं ये कॉन्टेक्स्ट को ही बता रहा है। और यहाँ पे टी टाइम दिया जा रहा है प्रोसेस के द्वारा टू अगेन गेट द CPU आफ्टर शेड्यूलिंग वंस। तो यहाँ पे टी के बारे में भी दे रखा है ना कि टी क्या है कि एवरी टी सेकेंड्स में, बेसिकली टाइम क्वांटम आपका क्यू है, आप टी को टाइम क्वांटम मत समझना। टी का मतलब ये है कि प्रोसेस को दोबारा CPU कब मिलेगा। जैसे P1 एक बार शेड्यूल हो चुका है, अब P1 को दोबारा CPU कब मिलेगा, तो उसके बीच के टाइम को हम T कह रहे हैं। तो अगर हम अपना शेड्यूलिंग पैटर्न देखें तो P1 को CPU अगेन कब मिल रहा है, आफ्टर 4 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस 1, 2, 3, 4 यस एंड 3 टाइम क्वांटम, और टाइम क्वांटम 3 ऑब्वियसली यहाँ पे 1, 2, 3 टाइम क्वांटम के बाद और 4 कॉन्टेक्स्ट स्विच के बाद। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच को अगर आप एस बोल रहे हो और टाइम क्वांटम को अगर आप क्यू बोलते हो जो यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब 4S+3Q के बाद आपको दोबारा सीपीयू मिल रहा है किसी भी प्रोसेस को, है ना। तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, या तो इतने टाइम तक मिलेगा इन द वर्स्ट केस, मैंने माना ऐसा हो सकता है कि P1 पहले भी मिल जाए, बट वर्स्ट केस में यही सिनेरियो है एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। तो वही है, तो यहाँ पर 4 क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस है दैट इज एन, और यहाँ पे जो आपका कॉन्टेक्स्ट टाइम है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोसेस से एक कम होता है। जैसे 4 से कम 1 3 है, तो हम इसको n-1 कह सकते हैं। और यहाँ पे मुझे क्यू का फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्यू को साइड में ले लेंगे और एन एस को इधर ले आएंगे, तो t-ns हो जाएगा। और n-1 को अगर आप नीचे ले लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में। सो दिस वे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कैसे है, ठीक है। सो दिस वे वी हैव डन टोटल 5 क्वेश्चंस। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मैं सोच रही हूँ अभी ना करवाऊँ, जो भी CPU शेड्यूलिंग के क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दूँ। जैसे कि एक प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, ये हम कर लेते हैं, ये 6 क्वेश्चन, क्योंकि नाम भी CPU शेड्यूलिंग है तो ठीक है उसी क्वेश्चन करवाते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे कभी, जब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक होगा। तो यहाँ पे आपको प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी निकालनी है, प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी लगानी है और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो प्रायोरिटी आपको दे रखी है किसकी हाई है किसकी लो है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है।
थर्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था मैंने, थर्ड क्वेश्चन तो सॉल्व करवाया लाइव मैंने, वीडियो कट तो नहीं हो गई थी उस वक्त। लेट मी चेक एक बार, मैं देख लूँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवाया है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर सच में सॉल्यूशन तो नहीं आया है मेरे रिकॉर्डेड में, आई थिंक वो वीडियो कट हो गई है फिर, तो मैं उसको दोबारा सॉल्व कर दूंगी, कोई बात नहीं। तब तक आप लोग मुझे 6 क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है? तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन से सारे, टाइम लग गया इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम कर नहीं पाए और 1 घंटा का टाइम भी निकल गया, बट कोई बात नहीं, चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पे आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालनी है और प्रिम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को लगाना है। तो 0 अराइवल टाइम पे हम पी नॉट प्रोसेस को लेते हैं, और क्योंकि प्रिम्प्टिव है तो ये नेक्स्ट अराइवल टाइम तक चलेगा। अब सबसे पहली बात ये है कि 0 अराइवल टाइम पे पी नॉट और पी वन दो प्रोसेस आ रहे हैं, ठीक है? तो किसकी प्रायोरिटी हाई है? तो 4 की तो सबसे लोएस्ट है, इसका मतलब कि हम पी वन को पहले लेंगे, पी नॉट को पहले नहीं लेंगे। और कब तक ये चलेगा? नेक्स्ट अराइवल टाइम 0 के बाद 2 तक चलेगा। तो 2 टाइम किसका ख़त्म? पी वन का ख़त्म। अब 2 अराइवल टाइम तक आपका पी नॉट, पी वन, पी टू तीनों में से कोई भी आ सकता है, बट हम उसको लेंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर 1 की है, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा नंबर होगा उतना ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। तो अगेन हम पी वन को लेंगे और नेक्स्ट अराइवल टाइम तक चलाएंगे, पर इसका बर्स्ट टाइम क्योंकि 1 ही है तो इसको 1 टाइम तक ही चला सकते हैं। अब पी वन का काम ख़त्म क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 0 हो चुका है। 3 अराइवल टाइम तक भी पी नॉट और पी टू ही आ सकते हैं, क्योंकि पी थ्री, पी फोर, 4, 8 पे आएगा। तो हम किसको लें? पी नॉट को लें कि पी टू को लें? तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली पी नॉट और पी टू में प्रायोरिटी पी टू की ज़्यादा है, तो हम पी टू को लेंगे और नेक्स्ट अराइवल टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज़ 4 तक। तो इसका 1 टाइम ख़त्म, तो 5 टाइम रिमेनिंग। फिर पी थ्री भी 4 अराइवल टाइम तक आ जाएगा। अब इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? तो जितना छोटा नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, तो पी थ्री का। और पी थ्री को हम नेक्स्ट अराइवल टाइम 8 तक चला देंगे, तो पी थ्री का कितना टाइम बचा? तो 4 टाइम माइनस करो, 5 टाइम बचा। अब इसके बाद यहाँ पर पी थ्री 8 तक चल दिया, तो पी फोर भी अराइव कर देगा। तो अब मैं पी वन, पी नॉट को लूँ, पी टू को लूँ, पी थ्री को या पी फोर को, क्योंकि पी फोर भी अब आ गया है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का पी फोर है, तो ऑब्वियसली पी फोर को पहले एग्जीक्यूट करेंगे और पूरे पूरे टाइम तक के लिए चलाएंगे। अब तो 8 + 4 = 12 हो गया, पी फोर की स्टोरी ख़त्म। अब पी नॉट, पी टू, पी थ्री में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? तो ऑब्वियसली पी थ्री की, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है। तो ये भी पूरे टाइम तक के लिए ख़त्म, तो ये 12 + 5 = 17। अब उसके बाद आपका बचा है पी नॉट और पी टू, तो उसमें सबसे कम प्रायोरिटी है पी नॉट की, तो पी टू पहले एग्जीक्यूट होगा और उसका टाइम भी 5 ही बचा है, तो ये 22 हो जाएगा +5 करके, और फिर लास्ट में पी नॉट को एग्जीक्यूट करेंगे +8 करके 30। सो दैट वे हमने यहाँ पर गैंट चार्ट बना लिया है प्रायोरिटी प्रिम्प्टिव का। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका टर्न अराउंड टाइम या कंप्लीशन टाइम जो भी है क्या निकल करके आता है। तो पहले हम कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं, तो पी नॉट का निकल करके आएगा 30, पी वन का आएगा 3, पी टू का आएगा 22, सॉरी पी थ्री का आएगा 17, है ना? ओके ओके, पी टू को पहले लिखोगे ना, तो ठीक है, आपने सही लिखा था 22, और पी थ्री का 17 और पी फोर का 12 है, राइट? टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये 30 होगा, ये 3 होगा, ये 20 होगा, ये होगा आपका 13, और ये होगा आपका 4। और वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है? तो 30 - 8 = 22, दैट इज़ 0, दैट इज़ व्हाट, 20 - 6 = 14, 13 - 3 = 9, एंड 4 - 4 = 30 - 8 = 22, 3 - 3 = 0, 20 - 6 = 14, ओके, एंड 13 - 9 = 4, ओके, इट इज़ 4, एंड 4 - 4 = 0। नाउ एवरेज निकालना है इसका, तो 22 + 4 = 26 + 14 = 40, एंड 40/5 = 8, सो द एवरेज वेटिंग टाइम इज़ 8,
वेरी गुड। तो प्रत्युष का आंसर बिल्कुल सही आया है एंड आई थिंक और बाकी लोगों ने इसका आंसर नहीं बताया। तो हाँ, इसका एवरेज वेटिंग टाइम आप देख सकते हैं 8 निकल करके आ रहा है, जो बिल्कुल सही बताया आपने। तो यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से देखो, मैंने यहाँ पे बताया तो है। अच्छा, तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है बट ये वीडियो में नहीं आ पाया, तो मैं इसको दोबारा बता देती हूँ अंशी को, ठीक है? बाकी जिसने नहीं सुना होगा वो भी सुन लीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि अगर आप प्रिम्प्टिव SRTF लगाते हो तो ये प्रोसेस है, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम है, और एवरेज वेटिंग टाइम अगर आपको गिवन है 1 मिली सेकेंड, तो इसमें जेड की वैल्यू क्या होगी? तो मैं लेट सपोज करती हूँ कि जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है तो देखते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम 1 के इक्वल आता है कि नहीं। अगर आता है तो वो सही है। तो मैंने जेड की वैल्यू 2 ली और SRTF लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो 0 पे आपका P1 आएगा, ठीक है, और वो नेक्स्ट अराइवल टाइम तक चलेगा क्योंकि प्रिम्प्टिव है, दैट इज़ 1। तो P1 का 1 टाइम ख़त्म। अब 1 अराइवल टाइम तक आपका P1 P2 दोनों आ सकता है, पर जिसको लेंगे जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट होगा। तो P2 को लो और ये नेक्स्ट अराइवल टाइम तक चलेगा, बट इसके पास एक ही टाइम है तो P2 एक ही टाइम तक चलेगा। फिर सेकेंड अराइवल टाइम तक आपका कोई भी नया प्रोसेस नहीं आया, सिर्फ P1 ही अवेलेबल है, तो इसको हम नेक्स्ट अराइवल टाइम 3 तक चलाएंगे, तो P1 का एक टाइम बचा है। अब इसके बाद आपका कौन आएगा? तो 3 अराइवल टाइम तक P1 भी आ गया, P3 भी आ गया। तो हम P1 को लेंगे अगेन क्योंकि उसका जो बर्स्ट टाइम है वो शॉर्टेस्ट है, तो इसलिए। फिर 4 अराइवल टाइम तक P4 भी आ जाएगा। तब ये दोनों ऑलरेडी 0 हो चुके हैं, तो P3 या P4 आएगा, जिसमें P4 को लेंगे जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है, और फिर लास्टली आपका P3 बचेगा, और ऐसा करके निकला। अब यहाँ पे आप कंप्लीशन टाइम निकाल लो, तो कंप्लीशन टाइम हम निकाल लेते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम 4 है, P2 का 2 है, P3 का 9 है, और P4 का 6 है। ओके, तो आपको हाँ 1 by 1 सारे ऑप्शन को ट्राई करना होगा अंशी। और टर्न अराउंड टाइम इज CT-AT, तो 4 दैट विल बी 1, दैट विल बी 6, दैट विल बी 2। एंड आपसे वेटिंग टाइम पूछा, तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए TAT-CPU बस टाइम, तो इन दोनों को देखना है। तो 4-3 इज 1, 1-1 0, 6-3 3, 2, और Z को आपने 2 लेट किया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, तो ये 0। एवरेज निकाला तो 1+3 4/4, दैट इज 1। अब इसी में एवरेज वेटिंग टाइम 1 निकल करके आ रही है, जब मैंने Z को 2 लिया, इसका मतलब ऑप्शन ए 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? बट ये क्वेश्चन गेट में आया था न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखे थे, तो आप यही अज्यूम करके चलोगे कि Z की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि मिनिमम बस टाइम तो देखो 1 होता है, तो 1 आप अप्लाई करके देखना, फिर आप 2 अप्लाई करके देखना, तो वैसा करके आंसर आपको निकलेगा, ठीक है? अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता फिर आपके पास ऑप्शंस तो होते नहीं, तो आप जेड की वैल्यू पहले 1 लेट करते, फिर 2 लेट करते, और 2 में आंसर निकल जाता, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता। एग्जैक्टली। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया, अंशी आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। तो आज के सेशन में इतना ही स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही हम सॉल्व कर पाए, बट कोई बात नहीं, CPU शेड्यूलिंग के हमने बहुत ही दमदार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज के सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स जिनको इन सेशन की ज़रूरत है उनको भी ये सेशन की एक्सेस मिल सके, और वो भी PDF नोट्स को पढ़ सकें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, सो दैट माई कॉन्टेंट विल रीच टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है? बाकी अगर आगे कोई और क्लास होती है तो मैं कोशिश करूँगी कल भी मैं एक क्लास रखूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जहाँ पे मैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूँ। तो आप लोग प्लीज़ उसमें सपोर्ट बनाए रखिएगा, जैसे आपने आज बनाया हुआ है। और अगर आप गेट नोटबुक के सब्सक्राइबर हैं और UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे कुछ अवेलेबल कंप्लीट कोर्सेज हैं जिसको आप इनरोल कर सकते हो। बट हमारा सबसे जो इम्पॉर्टेंट और स्पेशल मटेरियल है वह 350 सिंगल रिविजन पेजेस बुक, जो UGC नेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गेट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस दोनों मिलता है UGC नेट में,
और उसमें लगभग सारे यूनिट्स हैं, पेपर वन के तो सारे हैं, पेपर टू के जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जो गेट में आते हैं वो हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है। जैसे टॉक हो गया, इस बुक में टॉक है, कोआ है, कंपाइलर है, डिस्क्रीट है, जनरल एप्टीट्यूड है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, सी है, एल्गोरिदम है, कंप्यूटर नेटवर्क, ओएस, डीबीएमएस, कोआ, तो ये सारा सब कुछ इसमें कवर्ड है। बस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इस बुक में नहीं है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, सारे सीएस सब्जेक्ट से। तो आप चाहे तो इस बुक को इनरोल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं चीज़ों को जल्दी से रिवाइज करके। तो ये लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी, और कोई भी डाउट आते हैं एसआरपी से तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसको इनरोल करते हो तो वैसे ही 5,000 पे है, बट डिस्काउंट के बाद 2,500। और अगर आप एग्जिस्टिंग प्लस सब्सक्राइबर हो जिसने गेट में सब्सक्रिप्शन लिया है और उसके पास ये बुक नहीं है क्योंकि उसने रेफरल कोड कोई और अप्लाई कर लिया था, हेलो सोनू 01 अप्लाई नहीं किया था, तो आप इस बुक को 1,500 पे अवेल कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो। और एसआरपी इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सको। जैसे ग्राफ थ्योरी एक टॉपिक है, तो आप उसको अगर 1 पेज में रिवाइज करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं या इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स हैं या इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, वो सब कुछ 1 पेज में बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। ताकि एक बच्चा ग्राफ थ्योरी टॉपिक को अगर पढ़ चुका है और उसको सिर्फ रिवाइज करना है तो वो 2 मिनट में आसानी से रिवाइज कर सकता है। और ऐसी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट्स की एसआरपी इस बुक में आपको मिल जाएगी, और ये बुक बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है, दैट इज 2,500 ओनली। ओके, और अगर आप प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहते हैं, यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स जो एग्जाम के पहले आपको बहुत मदद करेंगी, एक तो रिवीजन का मैंने बता दिया और प्रैक्टिस मटेरियल ये है जिसमें कि 3,500 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें क्या है कि सिर्फ पेपर टू के जितने भी यूनिट्स हैं, सारे यूनिट्स कंप्यूटर साइंस के, वो अवेलेबल है। इसमें 53 डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है हर एक क्वेश्चन का, और हर एक वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का या 1 घंटे का है। और इसमें PDF सॉल्यूशन भी आपको मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी होगी, डाउट सपोर्ट व्हाट्सएप पे होगा, और यहाँ पर आपको YouTube के प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। तो इसका भी कॉस्ट यहाँ पर डिस्काउंट के बाद 2,500 है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप इस प्रैक्टिस बुक को इनरोल कर सकें। तो और अगर आप कंप्लीट कोर्सेज चाहते हैं तो वो तो मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों जो मैंने स्पेशल मटेरियल बताई वो इसलिए बताई ताकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो नियर डेट है उसके लिए आपको ये हेल्प करेगा, एसआरपी बुक और प्रैक्टिस कोर्स। ठीक है, और अगर आप कंप्लीट कोर्सेज चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट कोर्स हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसमें भी है 20-20 वीडियो हर एक कोर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। अराउंड DBMS, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर का कंप्लीट कोर्स, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गो, कोआर, डिजिटल लॉजिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये पेपर वन का कंप्लीट कोर्स है जिसमें सारी यूनिट हैं, SRP बुक और प्रैक्टिस कोर्स तो मैंने बताया। एक छोटा सा प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें कि 1,000 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप वो भी इनरोल कर सकते हो। एक रिवीजन क्रैश कोर्स है जिसमें भी SRP है, तो 119 SRP, पर ये वीडियो के साथ है। और एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स है, ये पेपर वन का रिवीजन क्रैश कोर्स है। यहाँ पे पर्सनल मेंटर का सपोर्ट भी आपको मिला, डाउट सपोर्ट और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अगर ये पूरा पैकेज अगर आप लेते हो, अगर आप पूरा चाहते हो, प्रैक्टिस कोर्स भी, रिवीजन कोर्स भी, कंप्लीट कोर्स भी, सब कुछ, तो इसका टोटल कॉस्ट बनता है 20,600, बट डिस्काउंट के बाद इट इज़ अवेलेबल एट 15,000। तो वो भी कुछ ही दिन के लिए है, तो आप चाहें तो इसको इनरोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक दो सब्जेक्ट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको सब कुछ लेना ही पड़ेगा, तभी आप इनरोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम एट दिस नंबर सो दैट कि आप इनरोल कर सको और अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर सको। तो मेन मैं अपने स्टूडेंट्स को यही फॉलो करने बोलती हूँ कि पहले आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को पढ़ लो, और उसके बाद आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो सॉल्यूशन अड्डा वेबसाइट से, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दो। तो ये मेन सीक्वेंस है
किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का हम अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो लेक्चर्स देख करके उसको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड नाउ ही और शी इज़ रेडी फॉर प्रैक्टिस थ्रू PYQ एंड टेस्ट सीरीज. तो दिस वे यू कैन कंप्लीट एनी सब्जेक्ट वेरी इजीली. अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो हमारे वीडियोज़ है टोटल 31, ठीक है. तो उसको आप कितने दिन में कवर कर लोगे, तो 31 ड्यू मतलब कि 31 आर्ट्स का आप मान लो. और अगर पर डे आप 5 आर्ट्स दे रहे हो तो आराम से आप 6 दिन में 6 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हो. वैसे OS की मैं बात करूँ तो OS को भी आप 5-6 दिन में कंप्लीट कर सकते हो. 5 दिन में हर एक कोर्स को कंप्लीट, हर एक सब्जेक्ट को 5-5 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है. तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 9 हो गए और ये 10 हो गए. तो जो सब्जेक्ट वाले हैं तो मतलब कि 60 डेज में यानी कि 2 मंथ्स में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो जो सब्जेक्ट वाले हैं. और पेपर वन में टोटल हमारे 61 वीडियोज़ हैं, हर एक का ड्यूरेशन 1 घंटे का है. तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो 12 दिन में, ठीक है, पेपर वन को. ओके, तो हो गया मतलब कि मान लो 2.5 मंथ्स में पूरा पेपर वन और पेपर टू आपने पढ़ लिया. एंड देन रिवीजन तो 7x7 चलता रहेगा. अब प्रैक्टिस कोर्स ये है और इसको इसके अंदर ही हमने मर्ज कर लिया है. तो ये प्रैक्टिस कोर्स जो है ये आपको 53 वीडियोज़ हैं, तो हाँ इसको कंप्लीट करने में आपको 10 दिन लग जाएगा. तो पूरा अगर इन टोटल बना करके चलें तो अगर आप हमारा पैकेज लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस 3 से 4 महीने में आराम से कवर हो जाएगा UGC नेट का, ठीक है. थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. अगर OS की क्लास होती है तो कल मिलते हैं.